देखो बच्चों, 33 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था। 34 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 34 क्वेश्चन में दो समानांतर रेखाएं ए बी और सी डी के बीच बिंदु एल से ऐसी रेखा खींचो जो एस टी रेखा के समान हो। क्या कहा है इसमें, ध्यान से देखो। दो दो ऐसे समानांतर रेखा दे रखी है। कौन सी दे रखी है? दो समानांतर रेखाएं, ये ए बी और सी डी, उनके बीच कोई एक क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है एल, और एक रेखा दे रखी है एस टी। इसने कहा भी एल से होती है एक ऐसी रेखा खींचो जो एस टी रेखा के समान हो। जो एस टी रेखा के समान हो, इस पर कहीं पर एक बिंदु ले आओ पी, लिया एस टी के से जितना खोला यहाँ रखे चाप, जहाँ ये काटगी, जहाँ पर ये काटगी इसको इसके साथ मिला दो। इस रेखा के समानांतर यहाँ से ये रेखा पी एस टी क्यू, एस टी बराबर पी एस, और पी एस समानांतर है टी क्यू, ये रेखा इसके समानांतर, ये रेखा इसके बराबर दी है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। 35 क्या दे दिया? ए बी रेखा के बाहर बिंदु सी डी से दो ऐसी रेखा खींचो जो ए बी रेखा से एक बिंदु पर मिले और ए बी के साथ बराबर कोण बनाए। क्या क्या इसने, ध्यान से देखिए। इसने क्या भी ए बी रेखा दे रखी, कोई भी हमारी ये दे रखी ए बी रेखा, ए बी रेखा के बाहर दो बिंदु दे रखे, एक सी और एक डी, एक सी और एक डी। इसने सी और डी से ना दो ऐसी रेखा खींचो जो एक ही बिंदु पर मिले और दोनों तरफ समान कोण बनाए। ए पर रखो किसी एक जितना खोलो, मैं सी जितना खोल लिया, डी पर रखे सी जितना खोल लिया, जहाँ दोनों काट गए नहीं इसको मिला दो, इसको इससे मिला दो, जहाँ एक काट गया यहाँ तक इसको पक्का कर दो, ये पकड़, ये दोनों रेखाएं बोला था इसने, और ये दोनों कोण बराबर कोण होंगे। एम लिख दो, कोण सी एम ए बराबर है कोण डी एम डी, इस कोण के बराबर ये कोण है, यही इसने पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ। 36 दो असमानांतर रेखाएं, दो असमानांतर रेखाएं ए बी और सी डी के बाहर बिंदु ई से ऐसी रेखा खींचो जो ए बी और सी डी के साथ मिले और समान कोण बनाए। ए बी और सी डी के साथ मिले और समान कोण बनाए। इसने क्या कह दिया? दो असमानांतर रेखा दे रखी है हमारी, एक ए बी और एक सी डी, इनके बाहर का बिंदु क्या दे दिया? ई। ई से ऐसी रेखा खींचो जो इस पे मिले और इस पे मिले और एक समान कोण बनाए, ठीक है ना, कोई भी क्या है कि समान कोण बनाए, इसको इधर बढ़ाओ और यहाँ से कोई भी एक ये कोण बना दिया। इस रेखा के समानांतर अपना ई से ये रेखा खींच दो, ये कोण और ये कोण हमारे दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। एस टी एंगल ई टी सी इक्वल टी एस ए, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। 37 देखो हमारे क्या है। दो ऐसे समानांतर रेखा ए बी और सी डी के बीच दिए हुए बिंदु ई से होकर ऐसी रेखा खींचो जो दोनों दी हुई रेखाओं के साथ छुए और ई से समान दूरी पर हो। ई से समान दूरी पर हो, इसमें क्या क्या है? दो ऐसे समानांतर रेखा दे रखी है हमारी ए बी और सी डी, ठीक है, इसके बीच क्या है, एक बिंदु ई दे रखा है। इस ई बिंदु से एक ऐसी रेखा खींचनी है जो हमारी इस पर मिले और इस पर मिले और ई उस रेखा का मध्य बिंदु हो। तो ई से ए बी रेखा के ऊपर लंब गिरा दो, हम क्या गिरा दिया, ये हमने एक लंब गिरा दिया, इस बिंदु को और इसको मिलाओ और आगे बढ़ा दिया, ये हो गया। ई से और जो लंब रहे यहाँ तक एस, एस तक की जो दूरी है, इस इतना खोलो ई पर रखो ये चाप, जो कि तो ये रेखा समाना इक्वल है समतल धरातल समान और एक एडी, तो इससे ऊपर काट गया, यहाँ पर अपना समकोण बना दो 90 डिग्री का, 120 बना समकोण, जहाँ ये काट गया इसको और ई को मिलाओ और आगे बढ़ा दो, ये हो गया पी क्या हुआ। अब देखो पी ई बराबर ई क्या हुआ, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी, दोनों दूरी क्या है हमारी इक्वल होंगी। तो बेटा आज यही इतनी क्वेश्चन करने हैं और ये करके सॉल्व करके हमें बस